हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। कुछ DSSB से जुड़ी हुई हैं और कुछ गेस्ट टीचर से जुड़ी हुई हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक भी करें। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो साथियों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राखी बसेरा, कविराज तनु, अनिल कुमार, अंजू कुमारी, हिमलता भारद्वाज, तो इनके करेक्ट आंसर आए। और इसके बाद जो आज का क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले लागू हुई? मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले लागू हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों, इसके बाद बात करते हैं गेस्ट टीचर्स। तो सभी के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि गेस्ट टीचर्स पर क्या फैसला आया या गेस्ट टीचर्स पर क्या हुआ। तो जो कोर्ट में तारीख थी, हियरिंग थी कोर्ट में, तो उस पर अभी कोई विचार नहीं हो पाया। और इस विचार को, इस डिस्कशन को 12 अप्रैल के लिए टाल दिया गया है, मतलब न्यू वैकेंसीज भी। और इसके बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको भी 12 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन ये आता है कि सीधे तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और अभी एक रिपोर्ट पेश की थी अशोक अग्रवाल सर ने, तो लगभग 300 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। मतलब पिछले कुछ सालों में 300 से ज़्यादा स्कूल दिल्ली के अंदर बंद हो चुके हैं। अब ये एक चौंकाने वाली बात है। हम बात करते हैं सिर्फ हरियाणा या सिर्फ अदर स्टेट्स, नहीं, दिल्ली के अंदर भी स्कूलों की जो हालत है वो ख़राब है। ऐसा नहीं कि ख़राब नहीं है, आप किसी नॉर्मल एरिया में जाएंगे तो वहाँ जाके देखेंगे कि दिल्ली के स्कूल किस लेवल के हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कमरों की हालत भी सही नहीं है, गार्ड रूम तो स्कूलों में ज़्यादातर है ही नहीं, गार्ड वहाँ पर तैनात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। और बात करें गेस्ट टीचर्स, तो अब न्यू सेशन चल रहा है, अब 22,000 और 4,000 जो ये वैकेंसीज है, चार कितनी कुछ वैकेंसीज है जो अभी ये लगने वाले हैं। तो साथियों, इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा कि एडजस्टमेंट हो पाएगा। या तो दिल्ली सरकार को, अगर गेस्ट टीचर्स, या तो उनकी सेवा को कुछ टाइम के लिए और बढ़ा दें 2-4 महीने के लिए, और उसके बाद न्यू रिक्रूटमेंट निकाल के उनको भी कुछ मौका दिया जाए, एक चांस बिल्कुल दिया जाए उनको कि आप एक चांस और लें, आप में से जो योग्य है वो लग जाएगा, और इसके बाद जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको ज़रूर मौका दें। तो साथियों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आप क्या चाहते हैं ये भी बताएं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो कुछ नंबर से रह गए थे मेरिट में, हालांकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी हाई मेरिट चली जाएगी, फाइनल मेरिट सभी सोच रहे थे 2 या 3 नंबर का अंतर पड़ेगा, लेकिन 10-10, 12-12 नंबर का जो अंतर पड़ा है उससे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स काफ़ी दुखी हो गए हैं। और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप डिप्रेशन में ना रहें, वर्क हार्ड और देखें कि आपकी कमी क्या रही है। हालांकि कमी कुछ DSSB की भी रही है, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो उस लेवल का नहीं हुआ जो इस लेवल से हो सकता था। हालांकि साइंटिफिक मेथड है, लेकिन उस मेथड में फिर क्या होता है, लक चलता है। मतलब सारी चीज़ें मेहनत नहीं, कुछ लक भी चलता है। हालांकि जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं उनका तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लक चला है, उनकी तो जेन्युइन तरीके से मेहनत है। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, हमारे भी कुछ साथी हैं बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और जो सिलेक्ट हुए हैं सभी को दिल से शुभकामनाएँ। तो साथियों, अभी ये अपडेट है आप लोगों के लिए, आगे कोई अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले बता दी जाएगी। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।